नमस्कार, मैं गौरव कुमार। मैं फिर से एक फ्री हैंड ड्राइंग के साथ आया हूं। इस ड्राइंग में मैंने गुलशन कुमार की तस्वीर बनाई है, जो कि ट्री सीरीज के मालिक हैं। इस पेंटिंग को बनाने में मैंने कभी भी इरेजर का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने इस पेंटिंग को 20 मिनट में कंप्लीट किया है। मैं इसे थोड़ा फास्ट करके दिखा रहा हूँ, लगभग 6-7 मिनट का है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत तो ओवल से ही करेंगे। मैं ओवल थोड़ा लंबा दे रहा हूँ, क्योंकि इनका फेस काफ़ी बड़ा है इनके अपने हेयर स्टाइल के कारण। तो ओवल मैंने थोड़ा लंबा दिया है, और ओवल के बीच में ये होता है आईज होता है, और नोज़ भी दोनों साइड के बीच में होता है। आईज और चिन के बीच में होता है नोज़, और नोज़ और चिन के बीच में होता है माउथ। तो उसके लिए लाइन दे देंगे। उसके बाद तस्वीर को देखते हुए जैसे इनकी आँखें हैं वो पूरा बनाएंगे। सभी का आँख अलग अलग होता है, तो तस्वीर देखनी ही पड़ेगी इनका किस तरह का है। सबका स्टाइल अलग होता है, सभी का आँखें अलग होती है। तो आईब्रो पर भी ध्यान देंगे, आईब्रो किस तरह का है। लड़का का आईब्रो उतना नहीं होता है, उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है यदि आप किसी लड़के का आईब्रो बना रहे हैं। तो नोज़ आईज और चिन के बीच में होता है, तो नोज़ का एक आउटलाइन दे देंगे। कर्व पर आपको पूरा ध्यान देना होगा, आपको तस्वीर हमेशा देखते रहनी होगी। आपका आई और हैंड का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छी तस्वीर बना सकते हैं फ्री हैंड में, वो भी बिना इरेजर के इस्तेमाल के। मैंने इस पेंटिंग में और इस ड्राइंग में कभी भी इरेजर का इस्तेमाल नहीं किया। जब रियल फेस का आप ड्राइंग बना रहे हैं तो वहाँ पे वो डिस्टेंस कम नहीं आता है जो हम सीखे हुए होते हैं, क्योंकि हर एक फेस अलग अलग होता है। थोड़ी बहुत अलग अलग होती है, बहुत सारा मिलता भी है, लेकिन बहुत सारी जगह पर मिलता भी नहीं है। तो नोज़ के डाउन पार्ट के पास होता है ईयर का डाउन वाला पार्ट, तो उसको बना लेंगे। हेयर स्टाइल इनका बहुत अच्छा है, बहुत चौड़ा भी बाल है, तो हेयर स्टाइल इनका बनाएंगे। अभी टी सीरीज और प्यूडीफाई के बीच कंपटीशन भी चल रहा है सब्सक्राइबर के लिए। टी सीरीज इंडिया की कंपनी है। व्यू में तो टी सीरीज लगभग 5 गुना आ गए हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन में थोड़ा पीछे है। तो टी सीरीज के सपोर्ट में मैंने गुलशन कुमार की ड्राइंग बनाई है। ड्राइंग को देखते हुए इनका कॉलर बनाएंगे, मतलब फोटो को देखते हुए इनका कॉलर बनाएंगे। जो भी वेस्ट पार्ट है उसको भी इरेज कर देंगे। मैं वेस्ट पार्ट इरेज कर रहा हूँ, ड्राइंग में कहीं इरेजर का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। वेस्ट पार्ट जो है, जो लाइन मैंने खींची है, उसे तो इरेज करना ही पड़ेगा। छोटे छोटे जगह पर जो उसे छोटे इरेजर से इरेज कर देंगे। शुरुआत हेयर से करेंगे, क्योंकि ये फ्री हैंड ड्राइंग है, तो ज़्यादा पेपर का नीचे हाथ के नीचे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उतना समय भी नहीं रहता है फ्री हैंड ड्राइंग में, और जल्दी जल्दी बनाना भी है। मैंने 20 मिनट में इस तस्वीर को पूरी की थी। हेयर को डार्क टेन भी पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। वो लाइट के कारण थोड़ा उजला लग रहा है, ये थोड़ा डार्क हो रहा है ड्राइंग। लास्ट में जब तस्वीर क्लिक करेंगे तब देखिएगा, लाइट को थोड़ा एडजस्ट किए हैं, फिर भी उतना साफ नहीं हुआ है, लाइट का फोकस आ ही रहा है। वाई को 10 वी पॉइंटेड पेंसिल से ही आई को हम बनाएं, क्योंकि आई का पीछे वाला भाग पूरा डार्क है, इसलिए 10 वी पेंसिल का यूज किया है। ये 10 वी नहीं है, ये बी पेंसिल है, जिसे आउटलाइन मैंने दिया है। उसके बाद फिर से 10 वी फ्लैट पेंसिल का यूज़ किया है। स्टेंसिल जो मैंने खुद से बनाया है, जो कि पेपर का है, उसका इस्तेमाल किया, और नोज़ के पास भी स्टेंसिल का इस्तेमाल हुआ। इस तरह के फ्री हैंड ड्राइंग में मैं ज़्यादातर स्टेंसिल का इस्तेमाल करता हूँ, जहाँ भी शेडिंग करनी होती है।
आपको फोटो में देखते रहना होगा कहाँ पे डार्क यूज होगा, कहाँ पे हल्का यूज होगा। जहाँ डार्क है वो थोड़ा सा डार्क पेंसिल का यूज किया, उसके बाद स्टेंसिल का यूज कीजिए। छोटी जगह पे पॉइंटेड स्टेंसिल आप टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं अभी वो सब खरीदा नहीं हूँ इसलिए हैंडमेड स्टेंसिल का यूज कर रहा हूँ। मैं शेडिंग के लिए हेयर से ही ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा पेंसिल का यूज़ नहीं करना पड़े और ज़्यादा समय भी ना लगे, और हेयर में भी स्टेंसिल का यूज़ होता है तो हेयर भी थोड़ा शाइन करता है। उसके ड्रेस को कलर कर रहा हूँ। आगे किसी की फ्री हैंड ड्राइंग चाहिए तो कमेंट करके बताएं किसकी फ्री हैंड ड्राइंग आप चाहते हैं। यदि अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।